मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग विभाग कांग्रेस कमेटी के द्वारा बस स्टैंड ग्यारसपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कमलनाथ सरकार के एक साल पूरा होने पर नुक्कड़ सभा के माध्यम से जन जन को उनकी योजनाओं और वचन पत्र में दिए गए वादों को पूरा कर आम जनता को लाभ पहुंचाया जा रहा है। नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए गंज बासुता ग्यारसपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री निशंक जैन के प्रतिनिधि राजेश जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान जिस दिन कमलनाथ जी ने संभाली है उसी दिन तय हो गया था मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदा होने वाली, और कमलनाथ ने प्रदेश की जनता को करके दिखा दिया कि कांग्रेस सरकार बनने से पहले जो वादे जो वचन कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेतृत्व में आम जनता से किए थे उन वचनों को पूरा करने का काम भी सरकार के एक वर्ष के होने के बाद किया गया। इसमें 365 दिनों में 365 वादे पूरे किए गए। किसानों से कर्जा माफ, कन्यादान, वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी, भूमाफिया पर अंकुश जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। आज भाई साहब, जिस प्रकार से आपकी मध्य प्रदेश में सरकार है, पर कहीं ना कहीं विपक्ष की पार्टी आपकी सरकार की बदनामी कर रही है, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, तो आप इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष का काम ही बदनाम करना। जब विपक्ष कोई काम अच्छा तो कर नहीं सकती है ना, अपना कुछ उन्होंने क्या किया बताने के लिए उन्हें जबरदस्ती वापस बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और किसान का कर्जा माफ़ कर रही है। जिस तरह खजाने की हालत थी, जिस विपरीत विषम परिस्थितियों में कमलनाथ जी ने मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था, उसके बाद जितना कर रहे हैं वो अपने आप में मील का पत्थर साबित हो और पूरे किसानों का कर्जा धीरे धीरे माफ़ होगा। तो आप गांव-गांव जाके अपने जो कार्यकर्ताओं के माध्यम से अपनी सरकार की जो एक साल में जो काम किए हैं उनका किस प्रकार से प्रचार प्रसार करेंगे? जिससे प्रचार प्रसार करने की देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, हम तो आए हैं प्रचार प्रसार अपने आप। जब किसान लाभान्वित होगा, लोगों का बिजली बिल, पहले किसान आत्महत्या करता था बिजली के बिल के कारण, उसका बिजली का बिल नहीं आ रहा है, तो आम किसान सब जान चुका है कि सब अच्छा हो रहा, फिर भी हम लोगों को और जागरूक कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा इनके झूठ और फ्रेम में ना आए। अखिल भारतीय पिछड़ावर्ग कांग्रेस विभाग द्वारा और आदरणीय राज्यसभा सांसद हमारे पिछड़ावर के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री दादा राजमणि पटेल जी की मनुसानुसार पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर गांव-गांव जाकर सरकार की जो जनहितैषी योजना है वह जनता के बीच रख रहे हैं और लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं कि जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।